वृक्ष ने आपके साथ छल किया और आपकी पुत्री ने उसे श्राप दिया, ये सब हुआ कैसे? असुरवीरों, इससे पहले कि देव पुत्र हम सब असुरों के लिए कोई संकट उत्पन्न करे, हमें इसे समाप्त कर देना चाहिए। मार डालो इसे। रुक जाओ, हटो पीछे, पीछे हटो। ये इस आश्रम में शिष्य बनकर आए हैं, तुम्हारे शत्रु बनकर नहीं। इसलिए यदि किसी ने इन्हें हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया तो उसे दंड भोगना होगा। और हाँ, इस आश्रम में कौन रहेगा कौन नहीं, ये निश्चित करने का अधिकार केवल पिताजी का है, तुम्हारा नहीं। इसलिए जाओ यहाँ से। किंतु ये देव पुत्र है। मैंने कहा जाओ यहाँ से। देवी, आपने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। देखिए, ये आश्रम असुरों के लिए है, इसलिए पिताजी आपको कभी अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। और आप क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं? ये असुर आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से लौट जाइए। देवी, मैं आपके पिताजी को अपना गुरु मान चुका हूँ, अब गुरु शिक्षा दे या मृत्यु, मुझे स्वीकार है। किंतु देवी, मैं अपने गुरु से शिक्षा लिए बिना यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा। मैं बाहर बैठकर अपने गुरु की कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। को अपना शिष्य बनाया नहीं? प्रभु, कच्छ ने अपने व्यवहार से हमारा हृदय परिवर्तन कर दिया। जिस शिष्य में अपने गुरु के प्रति असीम निष्ठा, भक्ति और समर्पण की भावना हो, तो कौन गुरु से अपना शिष्य नहीं बनाना चाहेगा? प्रभु, बृहस्पति पुत्र कच्छ हमारे आश्रम के बाहर बैठा रहा। दिन बीते, रातें गई, ऋतुएं बदली, किंतु वो अपने स्थान से नहीं हटा, वहीं बैठा रहा। प्रभु, वहीं बैठा रहा। प्रणाम गुरुजी, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी, 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 गुरुजी। गुरुदेव, उठिए, उठिए, गुरुदेव, लीजिए।
जल ग्रहण करिए। नहीं, जल ग्रहण करिए। आप क्यों अपनी हट पे हैं? देखिए, आपकी ये हट अनुचित है। आप क्या अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं? चुप हो जाओ पुत्री। यदि मेरा इस संसार में अपना कुछ है तो वो मात्र तुम हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। यदि तुम्हें किसी ने पीड़ा पहुंचाई है तो मुझसे बताओ, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप मेरे आदर्श नायक हैं, किंतु महीनों से आज एक व्यक्ति हमारे द्वार पर भूखा प्यासा बैठा है और आपको कोई चिंता नहीं। देवयानी, तुम बहुत भोली हो पुत्री। तुम इन देवताओं की चालों को नहीं जानती। इन्होंने हमेशा असुरों के साथ छल किया। किंतु पिताजी, मुझे कच्छ के आचरण में कोई छल दिखाई नहीं देता। वो तो केवल आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। देवयानी, हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। हम असुरों के गुरु हैं। देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। उन्हें अपना शिष्य बनाने से असुरों में तो असंतोष फैलेगा ही, और फिर ये हमारी नीतियों के भी विरुद्ध होगा। पिताजी, शिक्षा के मंदिर तो सभी के लिए खुले रहते हैं, फिर गुरु और शिष्य के मध्य ये सुर असुर वाला व्यक्तिगत बैर अनुचित है। वो असुरों के आचार्य को अपना गुरु बनाने नहीं, बल्कि महर्षि भृगु के पुत्र महाज्ञानी ऋषि शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाने आए हैं। फिर आपको उस शिष्य में देवपुत्र क्यों दिखाई दे रहा है? देवयानी, ये कदापि संभव नहीं है। हम किसी देवता को अपना शिष्य नहीं बना सकते। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। तो फिर हमारा भी निर्णय सुन लीजिए पिताजी। यदि आपने कच्छ को अपना शिष्य नहीं बनाया तो आज से हम भी अंजल का त्याग कर देंगे। आज के बाद हम कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देवयानी, बहुत हठी हो तुम, बहुत हठी। जानती हो ना, तुम्हारे पिता तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारी किसी बात के लिए तुम्हें ना नहीं करेंगे। ना बेटी, ना। अब और आंसू नहीं। गुरुदेव, मेरा
अहो भाग्य गुरुदेव, जो आज आपने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाली, अब इस तुच्छ शिष्य के मन में अपने गुरु के चरणों की सेवा करने की इच्छा जागृत हो गई। कच्छ, तुम्हारे मन में गुरु के प्रति जो सम्मान, निष्ठा और समर्पण की भावना है, उसे देखकर हम तो क्या, कोई भी गुरु तुम्हें अपना शिष्य बनाकर अपने आप को धन्य समझेगा। बृहस्पति पुत्र कच्छ, हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करते हैं। कच्छ को देवपुत्र होने पर भी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया, किंतु के कच्छ भी उतना ही आदर्श शिष्य सिद्ध हुआ। प्रभु, कच्छ में गुरु के प्रति निष्ठा, सम्मान और समर्पण तो था, किंतु उसके मन में कहीं न कहीं उस सत्यता और पवित्रता का अभाव था जो एक सच्चे शिष्य में होनी चाहिए, और यही बात हमें उसे अपनी विद्या प्रदान करने से सदैव रोकती रही। फिर आपने कच्छ को अमृत संजीवनी विद्या कैसे दे दी? प्रभु, अमृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी। अमृत संजीवनी विद्या हमने उसे एक सच्चे गुरु की तरह नहीं दी, और ना ही कच्छ ने कभी हमें आभास होने दिया कि वो हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु देवों के लिए संजीवनी विद्या लेने के लिए आया है। फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको संजीवनी जैसी अनमोल विद्या उसे प्रदान करनी पड़ी? प्रभु, देवयानी और कच्छ में प्रगाढ़ मित्रता हो गई थी, और हम भी पुत्री की मोह में विवश होकर कच्छ को ज्ञान दे रहे थे, किंतु असुरों को ये बात सहन नहीं हुई कि उनका गुरु किसी देव पुत्र को शिष्य बनाकर शिक्षा दे। सारे असुर कच्छ के विरुद्ध खड़े हो गए, और ये बात असुर राज कालमनी तक पहुंची, और उन्होंने संपूर्ण असुर सभा में हमें बुलाया। शुक्राचार्य, हम असुरों से छल कर रहे हैं। हाँ, छल कर रहे हैं। वे हमारे गुरु के योग्य नहीं रहे।
हमारे देव पुत्र को अपना शिष्य बनाकर हम असुरों का अपमान किया है। देव तो हमारे शत्रु हैं। देव पुत्र आपसे शिक्षा ग्रहण करने नहीं, संजीवनी विद्या लेने और हम सब असुरों के सारे भेद जानने आया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। अपमान किया है आपने हमारा। हाँ, हम उसे मार देंगे। शुक्राचार्य हैं। हम किसे अपना शिष्य बनाएंगे और किसे नहीं, इसका निर्णय केवल हम करेंगे। हमने तुम सबको अपना शिष्य बनाया, तुम्हें हमारा आभारी होना चाहिए। इसलिए कच्छ के विषय में हमसे पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव, आपका कथन सत्य है, किंतु इन देवों ने सदैव हमारे साथ छल किया है। और ये कच्छ भी तो देव पुत्र है। कल को यदि यही कच्छ संकट का कारण बन गया तो क्या होगा? असुरराज, हम आपको और असुर साम्राज्य को वचन देते हैं कि कच्छ के कारण असुरों पर कोई संकट नहीं आएगा। गुरुदेव, आप जानते हैं हम असुरों की मुख्य शक्ति संजीवनी विद्या है। यदि किसी प्रकार उसने छल से या आपकी पुत्री के प्रति मोह का लाभ उठाकर उसने आपसे संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या होगा? असुरराज, आप निश्चिंत रहें। हमने संजीवनी विद्या मात्र असुरों के प्राण रक्षा के लिए ही प्राप्त की है। कच्छ कदापि संजीवनी विद्या हमसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप निश्चिंत रहें। महाराज, हमें देव गुरु शुक्राचार्य के वचनों पर विश्वास नहीं है। उन्होंने अपनी पुत्री के मोह में आकर उसे अपना शिष्य बनाया है। गुरुदेव का यही पुत्री मोह एक दिन हम असुरों के लिए संकट भी उत्पन्न कर सकता है। हम देव पुत्र कच्छ को यहाँ नहीं रहने देंगे, उसे देवलोक वापस जाना ही होगा। गुरुदेव को हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसे जितना रोकेंगे उतना ही वो हमसे दूर और उस कच्छ के निकट होते जाएंगे। किंतु महाराज, हमें कुछ तो करना होगा। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे कैसे बैठ सकते हैं? इसका मात्र एक ही उपाय है, कच्छ की मृत्यु। हम कच्छ को मार देंगे। हाँ, हम उसे मार देंगे। कच्छ को मरना ही होगा। इस कच्छ का जीवन तो हम आज ही समाप्त कर देंगे। जिन असुरों के लिए आपने सारे संसार से शत्रुता मोल ली, उन्होंने ही आपके विश्वास को तोड़ा।